जहां पंजाब सरकार नशे को खत्म करने की लाख कोशिशें कर रही है, वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जो इन प्रयासों पर पानी फेरती नजर आ रही है। खबर जीरकपुर से, जहां एक रेस्टोरेंट में शराब परोसने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, जीरकपुर लकी ढाबे में अवैध शराब परोसने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जो सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी अवैध रूप से शराब परोसी जाती है। जी हां, हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिससे सरकार और पुलिस प्रशासन की पोल खुलती साफ देखी जा सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वीडियो खुद ब खुद बयान कर रही है, जिसमें देर रात ग्राहकों को अवैध शराब परोसने का काम किया जाता है। सरकार की लचर कार्य प्रणाली की खुली पोल, अवैध रूप से शराब परोसने का मामला आया सामने, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। जैसे कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस ढाबे में अवैध शराब मिल रही है और ग्राहक पुलिस और सरकार के डर के बिना शराब पीने में मस्त है। अब इसे पुलिस प्रशासन और सरकार की लचर व्यवस्था ना कहे तो और क्या कहे, जहां लोग बिना डर के ये धंधा चला रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले जब हमारे संवाददाता ने इस मामले को लेकर ईटीओ रणदीप गिल से फोन लाइन पर बात की और शराब परोसने के लाइसेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट मालिक के पास लाइसेंस नहीं है। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप भी सुनिए अवैध शराब परोसने के बारे में पूछने पर ईटीओ रणदीप गिल का क्या कुछ कहना रहा। हेलो, हेलो, सत श्री अकाल जी, जो साहब बोल रहे हैं जी। सर, थोड़ी वेरीफाई करना सी सर, कि ना जीरकपुर ढाबा चल रहा, लकी ढाबा, जीरकपुर लकी ढाबा। अच्छा जी, लाइसेंस है सर अपना, साइज का कोई दारू दूर पियांदा, दारू चलती डेली मॉर्निंग? बिल्कुल लाइसेंस नहीं हैगा जी। नहीं है लाइसेंस? बिल्कुल नहीं हैगा। अच्छा, कल वेरीफाई करते साडे कोल लाइसेंस है, असि लाइसेंस ले रखिया थवा ना सर, मेरे नाल गल दे, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਡੇਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ SHO ਨਾਲ, ਪਵਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਆਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार की नींद खुलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।